यस और नो, टेल मी फास्ट। यस मैम, यस चलो, मैम, हाँ लेट्स स्टार्ट नाउ न्यूमेरिकल्स। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट सर्किट स्टार्ट करना है। रेड ऑन। अ कैपेसिटर हैज, अ कैपेसिटर हैज हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 30 माइक्रो फैराड। विच इज कनेक्टेड अक्रॉस, विच इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 230 वोल्ट हर्ट्ज सप्लाई। फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेकेंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट थर्ड पावर फोर्थ पावर फैक्टर एंड फिफ्थ इक्वेशंस फॉर वोल्टेज एंड करंट। डन, लिखा सबने? यस यस मैम, यस मैम। ठीक है। हाँ, आइडेंटिफाई विच सर्किट, दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन विच सर्किट। प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी। सी और सी, सी और सी। यस ओके, क्योंकि कहां पर भी दिया नहीं जाता है ये सर्किट कौन सा है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है। वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कितना दिया है? वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस थर्टी यस, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस हाउ मच माइक्रोफैरड, टू गिवन? माइक्रोफैरड। यस, कन्वर्ट फर्स्ट माइक्रो कितना आएगा, ये 30 इंटू व्हाट माइक्रो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10^-2। -6 यस ओके, इमीडिएटली कन्वर्ट व्हाट एवर गिवन, माइक्रो मिली जो भी दिया जाता है ना उसको कन्वर्ट करना है। यस, विच वैल्यू 230 वोल्ट, कौन सा वैल्यू है ये, किसका वैल्यू है? टू थर्टी वोल्ट वीआरएम, वीआरएम। वी आर एम एस, कैपिटल वी। ओके, एंड 50 हर्ट्ज इज फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फाइंड आउट कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। एक्सी इज इक्वल टू व्हाट? 1/ωC फॉर प्योर कैपेसिटिव। रिप्लेस ओमेगा, कैसे रिप्लेस करोगे ओमेगा को? ओमेगा को कैसे रिप्लेस करोगे? फॉर्मूला ओमेगा का 2π fc। टेल मी वैल्यू। यस, एक्स इज इक्वल टू 2 आ रहा है? डू फास्ट। एक्स इज इक्वल टू 2 हाय मैम, थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ब्रेक है। हाँ, एक्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू आया?
106.6. Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट सेकंड क्या फाइंड करना है? यस, सेकंड क्या फाइंड करना है हमें? आई आर एम एस. सो राइट डाउन, IRMS इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाय R और Z. V बाय R और Z फॉर AC सर्किट, दोनों में से कौन सा लेना है AC सर्किट के लिए? फॉर्मूला Z. ओके, ये कभी भी ध्यान में रखो, V बाय Z फॉर AC सर्किट. यस, नाउ राइट डाउन फॉर कैपेसिटिव सर्किट. कैपेसिटिव सर्किट Z इज इक्वल टू व्हाट? Z इज कैपेसिटिव के लिए Z क्या है? XL और XC. यस, फाइंड आउट, पुट हियर XC, Z के इधर XC लिखो और I का वैल्यू फाइंड करके बताओ. डन. टू पॉइंट वन सिक्स एम्पियर. नेक्स्ट थर्ड क्या पूछा है? थर्ड इज यस, थर्ड क्या? पावर. राइट ऑन, पावर कंज्यूम्ड by pure capacitive circuit is zero. Next, fourth part. Power factor. Cos phi. Angle phi kitna hai? 90 degree. जीरो. हाँ, लास्ट फिफ्थ में क्या पूछा है बताओ? टाइम इक्वेशन. यस, टाइम इक्वेशन. सो Vm साइन ओमेगा टी. Vm इज गिवन और वी वांट टू फाइंड आउट. वी हैव टू फाइंड ना. यस, तो हमें फाइंड करना है. सो फॉर्मूला इज राइट ऑन where Vm is equal to V into root 2, Vrms into root 2. ठीक है, फाइंड करो और बताओ Vt का इक्वेशन. सिमिलरली It का इक्वेशन बताओ. यस, क्या आ रहा है इक्वेशन?
यस, क्या है आंसर? V is equals to 325.269 sine of 100 pi t. Yes, V is equal to ये आया क्या आंसर? 325. Yes ma'am. Yes ma'am. और I का इक्वेशन 3.07, ठीक है? हाँ. नेक्स्ट टेक डाउन. ये विजिबल है या ब्लर है? रैंडम क्वेश्चन. विजिबल है? हाँ. वन मिनट. क्वेश्चन इज फाइंड द आरएमएस वैल्यू. फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 314 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर when मैम एक हो रहा है. हाँ एक हो रहा है. वन मिनट. इस बार एक हो. हेलो, अभी एक हो रहा है आवाज? नहीं मैम. 314 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर when connected to 230 volt 50 hertz single phase AC supply yes find out. kya pucha hai isme? IRMS. मैम 22.69. मैम आवाज नहीं आ रहा आपका.
मैम आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो मैम, 1 2 3 1 2 3 माइक चेक। हेलो मैम आवाज नहीं। अगले टाइम से एक्समैन का भी रख लेना मैम। फ्लाइट डिले हो गया मैम, फ्लाइट डिले हो गया। आवाज मैम ने लीव किया है क्या? एवेंजर्स? नहीं 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 आवाज आया? हाँ मैडम, मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया ना, चेंज किया, दूसरा लिया। फ्री फायर स्वराज ने खेला। हाँ अभी इधर देखो, सुनो रे। ठीक है नेक्स्ट। मैम आप वो सुपर पोजिशन थ्योरम का बनाने वाले हो ना असाइनमेंट क्लासरूम पे? हाँ हाँ आप बनाती हो? क्लियर हो गए ये दोनों न्यूमेरिकल्स? यस यस मैम। हाँ नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट सर्किट स्टार्ट करेंगे। हाँ इतने न्यूमेरिकल्स है, ज्यादा नहीं है बुक में भी। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन। सीरीज नेक्स्ट सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट। एक रेजिस्टर ड्रॉ करना है, उसके सीरीज में एक इंडक्टर, अक्रॉस एसी सप्लाई वोल्टेज। विजिबल है डायग्राम? यस यस और नो? यस मैम। यस मैम। नाउ दिस एलिमेंट इज कैपिटल आर, रेजिस्टर, इंडक्टर। ओके हियर सप्लाई वोल्टेज इज कैपिटल वी कॉमा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है नेक्स्ट, इट इज टोटल करंट आई। नाउ दिस करंट विल पास थ्रू रेजिस्टर एज वेल एज इंडक्टर। ठीक है नाउ नेक्स्ट, आरएमएस वैल्यू है ना? हाँ, वी इज द टोटल सप्लाई वोल्टेज एंड इट इज आरएमएस वैल्यू। ओके ये सर्किट के लिए टोटल एसी सप्लाई वोल्टेज वी से डिनोट करते हैं और दैट इज नथिंग बट आरएमएस वैल्यू। नाउ नेक्स्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वीआर इज अक्रॉस आर इज वीआर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल इज वीएल। दिस सर्किट इज सीरीज और पैरेलल? ये सर्किट कौन सा है, सीरीज या पैरेलल? सीरीज है। सीरीज। सो हियर टोटल वोल्टेज विल डिवाइड इनटू वीआर एंड वीएल। गॉट इट? क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है नाउ राइट डाउन इन अबोव सर्किट डायग्राम कैपिटल वी एंड आई आर आरएमएस वैल्यू ऑफ
वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, लिखा ये. नेक्स्ट, वीआर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस. व्हाट इज वीआर, व्हाट इज वीआर, व्हाट इज वीआर, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, एंड VR is equal to IR. By Ohm's law V is equal to what? By Ohm's law V is equal to IR. हाँ, तो ये हमें फॉर्मूला लेना है I and resistor. ठीक है, तो अभी ये करंट I and R. VR is equal to I into R. Done. Next, VL is the पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, किसके अक्रॉस है वीएल पोटेंशियल डिफरेंस? यस, इंडक्टर, इंडक्टर, इंडक्टर. ठीक है, राइट ऑन. वीएल इज इक्वल टू, हमें आई इंटू आर चाहिए, आई इंटू रेजिस्टर. अभी इस ये इंडक्टर है, इसका हम ये क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ओहम, एक्सएल. ठीक है, सो हियर आई इनटू एक्सएल. क्लियर हो गया दोनों भी फॉर्मूलास? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन. करंट आई इज सेम throughout the circuit due to series connection. अब ये circuit में current throughout same है या voltage? Yes, current, current and voltage divided between VR and VL. Okay, therefore current is taken as reference phasor. ये important है, current is taken as reference phasor. ठीक है, next अभी हम क्या करेंगे, phasor diagram draw करेंगे. फेजर डायग्राम क्या होता है? फर्स्ट फेजर डायग्राम का स्टेप क्या होता है? यस, ड्रॉ रेफरेंस एक्सिस. ठीक है, नाउ हियर करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट सीरीज के वजह से, तो करंट इज एट रेफरेंस फेजर. करंट को क्या करेंगे हम, रेफरेंस पे लेंगे. ओके, नाउ मुझे बताओ, अभी सिर्फ अगर एल नहीं होता तो ये सर्किट कौन सा बनता था? इफ एल इज नॉट देयर देन दिस सर्किट विल बी रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव. ओके, इन प्योर रेजिस्टिव करंट and voltage are in phase or some angle. For pure resistive, current and voltage are in phase. Okay, both are in phase. अभी मुझे बताओ R का voltage कौन सा है, voltage drop? VR. So for VR. For R, I and VR in phase. Clear? Concept clear हो गया? हमें VR ड्रॉ करना है एंड VL ड्रॉ करना है. तो VR कैसे ड्रॉ करेंगे? इन फेज विथ करंट, इन फेज विथ करंट. क्लियर? सो यहां पर हम क्या करेंगे, अभी VR ड्रॉ करेंगे. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
ठीक है, साइड में लिखो करंट आई एंड वी आर इज इन फेस ड्यू टू रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट अभी वीएल ड्रॉ करना है, फेजर डायग्राम में वीएल ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी सिर्फ इंडक्टर रहता तो आई एंड वीएल का बताओ क्या आएगा, आई एंड वीएल विल बी व्हाट? 90 डिग्री लैगिंग। यानी हमने उस टाइम कैसे ड्रॉ किया था, देखो रेफरेंस एक्सिस पे वोल्टेज निकाला था क्योंकि वोल्टेज 0 डिग्री पे था और करंट लैग कर रहा था, बराबर है? यस, बाय 90 डिग्री, इज इट राइट? यस यस, फॉर प्योर इंडक्टर। ठीक है, बट नाउ इन आवर केस करंट इज रेफरेंस फेजर, तो मुझे बताओ करंट रेफरेंस है अभी, हाँ रेफरेंस पे, तो वीएल ऊपर आएगा या नीचे आएगा? करंट को लैग करना है वीएल से 90 डिग्री से, ऊपर वाला बराबर या नीचे? यस, ऊपर वाला, ऊपर वाला, क्योंकि करंट लैग्स बाय 90 डिग्री, वीएल को करंट लैग कर रहा है। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये वाला रॉन्ग है, हाँ ठीक है। सो हियर ड्रॉ वीएल, डन, इतना हो गया सबका। नाउ टोटल वी किसका कॉम्बिनेशन है, कौन से दो वोल्टेज का कॉम्बिनेशन है टोटल वी? वी आर एंड वी एल। यस, सो हियर टोटल वी इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे बाय पैरेललोग्राम। ये ओरिजिन है, ऐड बोथ द वोल्टेजेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल वी। फेजर डायग्राम, इसलिए इसको वी बार, वी आर बार, वी एल बार। डन, क्लियर होगा फेजर डायग्राम, क्लियर होगा सबको? एंगल फाइ, फिर से रिपीट करती हूं मैं। रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ किया, रेफरेंस एक्सिस पे करंट को लिया क्योंकि वो सेम है, सीरीज सर्किट है इसलिए सेम है। अभी ये करंट आई के इन फेस वी आर बताया, ठीक है, और अभी सेकेंड टाइम वी एल बताना है। सो करंट आई लैग्स वी एल बाय 90 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक टोटल वोल्टेज है वी। क्लियर, क्लियर होगा ये? यस और नो? यस मैम। ठीक है, सो दिस इज द फेजर डायग्राम। अभी मुझे सिर्फ एंगल बताओ, एंगल बिटवीन आई एंड वी आर कितना एंगल बन रहा है फेजर डायग्राम से बताओ? जीरो। एंगल 0 डिग्री। एंगल बिटवीन आई एंड वी एल 90 डिग्री। एंगल बिटवीन वी एंड आई, कैपिटल वी एंड कैपिटल आई 45। इधर देखो कौन सा एंगल लिखा है, फाइव, एंगल फाइव। क्लियर हो गया सबको? यस, ये जो है ना, ये न्यूमेरिकल में हमें यूज करना है, ये कंसेप्ट न्यूमेरिकल के लिए। एंगल बिटवीन कैपिटल वी एंड आई इज द एंगल फाइ। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट वोल्टेज ट्रायंगल, इसका वोल्टेज ट्रायंगल निकालेंगे, बाकी का कल देखेंगे। वोल्टेज ट्रायंगल, अभी ये फेजर डायग्राम था,
फेजर डायग्राम तारों के साथ, अभी इसको ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे। सेम स्ट्रक्चर लिया, सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहाँ पर कौन सा वोल्टेज है बताओ, विच वोल्टेज दिस वन? वीआर। यस वीआर, ये वाला वीएल, वीएल, दिस वन वी, ठीक है, एंगल फाइ। नाउ टेल मी, ये वोल्टेज ट्रायंगल का कॉस फाइ कितना है? पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है फॉर वोल्टेज ट्रायंगल? कॉस फाइ इज, यहां से कॉस फाइ बताओ क्या आएगा? यस वी आर बाय वी, ठीक है, राइट डाउन देयर, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाइ इज इक्वल टू वी आर बाय वी, फॉर विच ट्रायंगल? फॉर विच ट्रायंगल? वोल्टेज ट्रायंगल। यस, अभी ये ट्रायंगल में ना आपकी ये एरोज नहीं दिखना चाहिए, ओनली वी नीड, ये सिर्फ ट्रायंगल ऐसे दिखना चाहिए, उसमें एरोज नहीं आना चाहिए। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कल हम इम्पीडेंस देखेंगे एंड पावर, ओके? एक बार एब्सेंट नंबर्स देख लो ना, ये एब्सेंट नंबर्स देख लो एक बार, डन, देखा? 47 प्रेजेंट, ओके। नाम क्या आपका? मैम प्रचिति। ओके, हाँ ठीक है, एंड करूं मीटिंग? यस मैम, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम मैम। मैम ने लिख दी,